नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। जब से मैंने आपके YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखे हुए मैसेज का रिप्लाई देना शुरू किया है, तब से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। आप भी अपने घर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें। आज हम मैसेज ले रहे हैं जितेंद्र आर्य जी का। इन्होंने लिखा है, सर साउथ ईस्ट फेसिंग में रसोई साउथ ईस्ट में ज़्यादा सही है या वायव्य कोण में सही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना आग्नेय कोण अग्नि का स्थान बनता है, और यहाँ पर जब हम अग्नि की व्यवस्था करते हैं तो घर के अंदर हमेशा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और घर के अंदर लगातार इनकम भी आती है। यदि हम साउथ ईस्ट में किचन बना लेते हैं तो घर के अंदर हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। यदि हम अपने किचन को नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में किचन को सेकंड ऑप्शन में माना गया है। वायव्य कोण में किचन बन जाती है तो उसके कारण बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें। पॉसिबिलिटी है, आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि अग्नि कोण में जरूर बनाएं। अग्नि कोण में अग्नि आने से वहाँ पर अग्नि का जो अग्नि तत्व का बल है वो बढ़ जाता है, और जो घर के अंदर भरपूर धन दौलत देता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। आपके मन में भी अपने घर के प्रति कोई सवाल है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपने नए घर का मैप भी हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।